नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में, ठीक है। एलसीएम तो आपका क्लियर हो गया है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैथ की क्लास में हम पढ़ेंगे आज एलसीएम, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मैथ में LCM, ठीक है। आज इसके बारे में बातचीत होगी। LCM मैंने आपको बता ही दिया है, आज जो बात होगी वो होगी LCM के बारे में, ठीक है। तो LCM का सबसे पहले पूरा नाम जान लेते हैं, LCM का पूरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, LCM का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है LCM का पूरा नाम? LCM का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM, ठीक है। अब LCM किस तरीके से करते हैं, कैसे LCM करने का मेथड क्या है और HCF करने का मेथड क्या है। HCF क्या होता है, अलग अलग निकालते हैं, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और देखते हैं क्या कौन सा नंबर है जो दोनों में या तीनों में, जितना जितने का HCF पूछता है उन दोनों में पाया जा रहा है, जो पाया जा रहा है उसी को हम उसी के आधार पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। फिर बताते हैं कौन सा HCF है ना। तो आज जो हमारी बात होगी LCM की होगी। LCM में सबसे पहले लेके चलते हैं हम कोई अच्छा सा सिंपल सा नंबर, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया 6 और 9। पहला क्वेश्चन है 6 और 9 का LCM लो, ठीक है। इसका LCM क्या होगा, तो एक बात याद रखना, फिर से वही बात है 0, 2, 4, 6 और 8। अगर लास्ट में आ रहा है तो याद रखना ये जाएगा किससे, 2 से। 2 से कटेगा ही कटेगा। जैसे अब 6 और 9 का दोनों का दिया है तो दोनों को साथ में लेंगे, याद रखना LCM में क्या करेंगे, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, जितना नंबर दिया जाएगा सब साथ में चलेंगे। HCF में क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग करके अलग अलग उसका मल्टीपल निकालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें सब साथ में चलेगा, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, चलो क्वेश्चन क्या है 6 और 9, तो आपको पता है 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है, लेकिन 9 नहीं आता है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो आप बोलोगे 3 बार में आता है ना। और 9 आता है नहीं आता है, अगर 9 नहीं आता है तो उसे टच नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही उतार देंगे, 9 उतार दिया, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, ठीक। अब क्या करेंगे, अब अगर 2 से देंगे तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता और ना तो 9 आता है, तो 2 को छोड़ देंगे, 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, यानी 3 का टेबल लेंगे। 3 के टेबल में हमें पता है, 3 के टेबल में 3 आता है कितने बार में, 1 बार में, 3 1 जा 3। क्या 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ आता है, कितनी बार में आता है, 3 बार में। फिर लिखेंगे 3 का ही टेबल लेंगे, क्योंकि 3 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, यानी ये पूरी तरीके से कट गया। अब इसका LCM कैसे निकलेगा, तो इसका होगा LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जरा करो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, यानी 6 और 9 का टेबल पढ़ोगे तो 18 वो नंबर है जो 6 में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है ना, आपके 6 के टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका HCF। और भी देखो, पहले छोटे छोटे नंबर को करवाती हूँ, फिर इसके बाद बड़े नंबर को लूँगी। अब एक क्वेश्चन और लेती हूँ ना, क्वेश्चन है 4 और 8 का LCM क्या होगा, 4 और 8 का LCM क्या होगा, आओ करते हैं। 2 के टेबल लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, ठीक है, और 8 भी आता है। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखेंगे। क्या 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में, 4 बार में। फिर पढ़ो 2 का टेबल, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, है ना, 2 2 जा 4। अब फिर पढ़ेंगे 2 का टेबल, 2 का टेबल में 1 को 1 उतार दो और 2 1 जा 2, क्लियर है, यानी सब कट गया। अब इसका लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जब पढ़ो तो कितना आता है इसका LCM, LCM 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना होता है 8, तो इसका LCM आएगा 8।
यानी फोर और एट का एलसीएम कितना आएगा, एट आएगा, क्योंकि एट वो नंबर है जो फोर के टेबल में भी आता है और आपके एट के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हार्ड की तरफ चलते हैं, है ना। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं, स्टार्टिंग सिंपल सिंपल क्वेश्चन से होंगे, फिर ये जाके हार्ड हो जाएगा आगे चल के। ठीक है, देखो अभी तो मैं हल्की हल्की चीज़ें इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, उन्हें नहीं पता है एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो मैं चाहती हूँ पहले सिंपल सिंपल चीज़ें करवा दूँ, फिर इसी को मैं हार्ड वाले जो क्वेश्चन होता है वो भी मैं सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया जाएगा। अब मैं एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 15 और 25, क्लियर है। अब इसका निकालना है एलसीएम, लास्ट का नंबर 5 है, लास्ट का नंबर 5 है, ये तो क्लियर हो गया कि 2 के टेबल से जाएगा नहीं। कैसे, क्योंकि 2 के टेबल से वही नंबर जाता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो लास्ट का नंबर जो है 5 है, यानी 15 और 25 दोनों के लास्ट में क्या है, 5 है, यानी कहने का मतलब ये है 2 के टेबल से, तो ये कदापि नहीं जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से नहीं जाएगा, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद क्या आता है, 3, या 3 का टेबल पढ़ना, क्या 3 के टेबल में 15 आता है या 25 आता है, तो 3 के टेबल में 15 तो आता है पर 25 नहीं आता, नहीं आता है कोई बात नहीं, जो आता है उसके करते, उसे सॉल्व करते हैं। तो 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में, लो लिख दिया 5, 25 तो आता ही नहीं है, तो इसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे भाई, नहीं आता है तो फिर वैसे उतार दो, तो ये ऐसे ही उतार दिया जाएगा। अब कोई ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 5 भी आता है और 25 भी आता है, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, ना 25 आता है और ना ही 4 के टेबल में आता है, तब किसके टेबल में आएगा, तो वो है आपका 5 का टेबल, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 25 भी आता है। पढ़ो 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 1 बार में 5 क्लियर हो गया। अब पढ़ो 5 का टेबल के 25 आ जाए, तो 5 5 जा 25, 5 बार में आ गया। अब फिर चलेगा ये 5 से, ये क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जब पढ़ो टेबल कितना आता है, 3 5 जा 15 और 15 5 जा 15 5 75, यानी 15 5 जा 75, कितना हो गया 75, क्लियर है। तो 75 क्या है, आपका एलसीएम है, क्या है, एलसीएम है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 15 के टेबल में 25 का टेबल कभी भी पढ़ के देखना, चाहे आप 15 का पहाड़ा पढ़ो चाहे 25 का पहाड़ा पढ़ो, दोनों के पहाड़ा में 75 आता ही आता है ना, 75 आता ही आता है, किसके किसके, 15 के टेबल में भी आता है और 25 के टेबल में भी आता है। क्लियर है, एलसीएम क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, हार्ड क्वेश्चन की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हूँ, है ना। आओ और भी आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20 और 25, इसका निकालो एलसीएम, आओ निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट का नंबर 0 है इसलिए 2 से जाएगा, लास्ट का नंबर 5 है इसलिए 2 से नहीं जाएगा, 2 के टेबल में 20 आता है 10 बार में, 25 नहीं आता है, तो 25 को उतार दो। अब कोई ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 10 आता है, 2 के टेबल में आता है, 25 तो आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, 2 के टेबल में 5 बार में आता है, 25 यहाँ उतार दो। अब देखो कोई ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 5 भी आता हो और 25 भी आता हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता और ना 25 आता है, राइट, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 25 भी आता है ना, तो 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, क्लियर है। फिर करो 5 के टेबल से 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ठीक है, 5 के टेबल में 5 आ गया 1 बार में, अब यहाँ पे स्टॉप हो गया। इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, जा पढ़ना 2 2 जा 4 4 5 जा 4 5 जा 20 और 25 जा 100,
है ना, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 100, यानी 100 वो नंबर है जो आपके 20 के पहाड़ा में भी आता है और 25 के पहाड़ा में भी आता है, यानी 20 के टेबल में भी आएगा और 25 के टेबल में भी आएगा, क्या आपका 100। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है अगर इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो। ठीक है, तो ये दो दो नंबर का एलसीएम है, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लूँगी क्योंकि इसके बाद जब मैं क्लास लूँगी तो उसमें तीन तीन अक्षर वाले, ठीक है, अभी तो दो दो नंबर का एलसीएम दे रखा है, फिर तीन तीन नंबर का, फिर चार चार नंबर का, कई तरीके का एलसीएम है उसे करवाऊँगी, फिर इसके बाद सिंपल सिंपल फ्रैक्शन की तरफ भी चलेंगे, डेसिमल नंबर को भी पढ़ेंगे, कई सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने भी सिंपल चीज़ें इसे फटाफट ख़त्म करूँगी क्योंकि मुझे अब हार्ड लेवल का मैथ भी लेके चलना है। तो आई होप जहाँ तक मुझे लगता है क्लास समझ में आ गई है, क्लास समझ में आ गई है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, दूसरी बात अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय गाइस।